दे रहे हैं लोगों जी। सर क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 380 रुपए। 380 रुपए किलो। किलो कह रहे हैं, लीटर में कह रहे हैं, लीटर 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 कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। आवाम का इतना रश है, मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसा रश कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे ना जो फ्री में जब रमज़ान के अंदर जब राशन बांटा जाता है तो उस तरह से ये हो रहा है, लेकिन ये रमज़ान नहीं है मेरे भाई, राशन नहीं बांटा जा रहा। कि सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। आटे का रेट आज का जो आपको बताऊँ 630 रुपये का रेट है, जो आपको 750 रुपये का अच्छी कंपनी का आटा बोल रहा हूँ मैं, लोकल कंपनी का आटा नहीं बोल रहा। देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये बड़ी बहुत ही गलत नोट की कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, देखें नॉर्मल आप सबका ख्याल रखें, यहाँ पर कोई लोग 10 आटे की बोरियाँ, कोई 6 आटे की बोरियाँ, कोई 4 आटे की बोरियाँ ले रहे हैं, तो दूसरों का आप नुकसान कर, दूसरों के हक पे आप डाका डाल रहे हैं। मैं इंतजामिया से भी एक बात कहता हूँ कि आप एक अफराद को एक बोरी दें। लोग अपने घर की ज़रूरत की अशियाँ यहाँ पर ख़रीदने आए हैं, और यहाँ पर सिर्फ अमीर आदमी और गरीब आदमी नहीं आया भाई, यहाँ पर कारों वाले लोग भी आ रहे हैं। आटा हमारे पास 600, इस हफ्ते 650 है, पिछले हफ्ते में 600 रुपए थी। 5 किलो। अच्छा, संदेश कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का। ठीक है, और वैसे क्या चल रहा है बाहर? बाहर ये 750 है। ये आटा लिया आपने? जी आटा लिया। कितने का लिया आपने? तेल चीनी सब लिए, मगर थोड़ी परेशानी हो रही है सर। देखें सस्ता सामान, देखें ना आप, पसीने देखें, उठा रहे परेशानी। कितने का लिया आपने ये? कितने का लिया आपने ये? ये 650 का है। 650 का, बाहर 750 रुपए का लिया था। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए अदनान गाजी आपके साथ है अंचोली का यकीनी बचत बाज़ार, जो कि तकरीबन 19वां बाज़ार है। ये तकरीबन 3-4 महीने से मुस्तकिल ये बाज़ार लग रहा है, और आवाम की बेहतरी के लिए, और आवाम देखिए महंगाई से बहुत परेशान है, उसके लिए इन्होंने, देखिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन इन्होंने खुद एक इनिशिएटिव लिया कि सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। आटे का रेट आज का जो आपको बताऊँ 630 रुपये का रेट है, जो आपको 750 रुपये का अच्छी कंपनी का आटा बोल रहा हूँ मैं, लोकल कंपनी का आटा नहीं बोल रहा, अच्छी कंपनी का पैकिंग वाला आटा। इसके अलावा बहुत सारे आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। आवाम का इतना रश है, मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसा रश कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे ना जो फ्री में जब रमज़ान के अंदर जब राशन बांटा जाता है तो उस तरह से ये हो रहा है, लेकिन ये रमज़ान नहीं है मेरे भाई, राशन नहीं बांटा जा रहा। ये लोग अपने घर की ज़रूरत की अशियाँ यहाँ पर ख़रीदने आए हैं, और यहाँ पर सिर्फ अमीर आदमी और गरीब आदमी नहीं आया भाई, यहाँ पर कारों वाले लोग भी आ रहे हैं। अब बताओ कारों वाले लोग जो हैं, जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ गई है बचत बाज़ार की, क्योंकि कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई हो गई है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तेल का घी, अपना तेल का रेट, आटे का रेट, अपना चीनी का रेट, तमाम जितनी भी अशियाँ हैं जो हम कहते हैं, वो सारी महंगी हैं। अभी कुछ टाइम पहले प्याज 200 रुपये किलो बिकी है, लेकिन यहाँ पर प्याज का रेट तकरीबन 100 रुपये 80 रुपये चल रहा है, और मैं कह रहा हूँ रश देखिए आप काफ़ी है। तो मज़ीद इस पूरे बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। एड्रेस की बात कर रहा हूँ, एड्रेस देखिए बहुत ही सिंपल है, मेन सुराब गोड एधी, जो है ना एधी सत खाना है, जब आप नॉर्थ काची से आते हैं तो एधी सत खाने से वापसी इधर आ जाएं, पहली गली के सीधे अंदर आएंगे तो आपको ये ब्लॉक 20 के अंदर, FBI के अंदर आपको ये बाज़ार मिल जाएगा। तो मज़ीद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इंतज़ामिया से बात भी करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसका इनिशिएटिव लिया, और रमज़ानों के अंदर क्या इनके औकात होंगे। तो चलिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मेरे साथ अकील भाई जिन्होंने बाज़ार इनकाद करवाया, उनके बड़े भाई जमील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताएं, आवाम का काफ़ी रश देखने को लग रहा है, देख सकते हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि, तो क्योंकि यार आवाम जमा जो इंतज़ामिया वो कम है, आवाम ज़्यादा है। नहीं, इंतजामिया बहुत है, आवाम ज़्यादा, आवाम ज़्यादा है, मैं वही कह रहा हूँ आपके। एक ही काउंटर पे इतनी सारी क्वालिटीज आपको नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, थोड़ी बहुत हमारी आवाम में थोड़ा सा एक वो भी नहीं है, सबर भी नहीं है। सबर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कि सबर नहीं, कि चाहती हैं कि बस जल्द से जल्द हम ले लें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा बचत बाजार है, हमें 2 घंटे से लाइन में लगे हुए, 8 बजे से लगे हुए, कुछ नहीं मिला। बचत है जभी तो लोग लाइन लगा रहे हैं, अगर बचत नहीं है। मैंने यही बोला कि गरीब आदमी का बाजार है, जब गरीब आदमी लाइन लगाता है। अंदाजा कर सकते हैं जिस कीमत पे हम तेल या घी दे रहे हैं लोगों सर, क्या
क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 380 रुपए पाउच। 380 रुपए किलो, किलो कह रहे हैं, लीटर में कह रहे हैं, लीटर 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 कह सकते हैं। तो कौन कौन से ब्रांड के तेल घी है आपके पास? यहाँ पर अरीसा कंपनी का तेल है और काला कंपनी का घी है। और आटे का क्या रेट है आपके पास? आटा हमारे पास 600, इस हफ्ते 650 है, पिछले हफ्ते हमने 600 रुपए दिए। 5 किलो? 5 किलो। अच्छा, सनरिच कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का। ठीक है, और वैसे क्या चल रहा है बाहर? बाहर ये 750 रुपए का फर्क है जी, कम अज कम 100 रुपए। अच्छा, बाकी तमाम चीजों पे आपने रिलीफ दिया हुआ है? बिल्कुल, चीनी है हमारे पास, पिछले हफ्ते 75 था, इस मतलब मार्केट में। देखिए, हमारे सुनने वाले रमजान की आमद आमद है जी, बिल्कुल। क्या रमजान में ये बाजार इसी तरह चलता रहेगा? इंशाल्लाह, हमारी तो पूरी कोशिश है, लोगों ने अगर रिस्पॉन्स दिया। हाँ, रिस्पॉन्स तो फिर आप देख सकते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स का तो आप कहीं नहीं है कि बस लोग थोड़ा सा, गुजारिश ये है कि लोग थोड़ा सा, मैंने पता क्यों, देखिए रमजान में हमारे आवाम को इन तीन चीज़ों से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि खाना वाना हर चीज़ डबल हो जाती है। तो इसका मतलब आपका रमजान में भी है इंशाल्लाह पूरा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आप, भाई मैंने बात की अभी अकील भाई के बड़े भाई से, जमील भाई से, तो जमील भाई ने बोला रमजान में भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो अभी आप देखें रश, देखें किस तरह से, देखें रश लगा हुआ है आटे, तेल और घी के ऊपर। आप ये देखें, आवाम का रश ठाटे मारता हुआ समंदर है। थोड़ा सा मस्जिद आगे चलते हैं और कुछ लोगों चीज़ों को और कवर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, और ये रश लगा हुआ है ऑयल पर, ऑयल घी के ऊपर रश लगा हुआ है। इधर केचप बिक रही है, फिर अपना प्याज है, आगे आलू है, टमाटर है, और काफ़ी मीडिया वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए रश, देखें कम से कम 150 अफराद सिर्फ ये घी पे लगा हुआ है, और इतना रश मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने कभी नहीं देखा। ये आटा लिया आपने? जी आटा लिया। कितने का लिया आपने? तेल, चीनी सब लिए, मगर थोड़ी परेशानी हो रही है सर। देखें सस्ता सामान, देखें ना आप, पसीने देखें, उठा रहे परेशानी। कितने का लिया आपने ये? कितने का लिया आपने ये? ये 650 का है। 650 का, बाहर 750 रुपए का लिया था। ठीक है, ले गया, फिर भी थोड़ी परेशानी। अभी क्या लेने आए आप? अभी मैं लेने आया प्याज। क्या किलो है ये? 120 रुपए। 120 रुपए, और यानी के बाजार से फिर भी थोड़ा बाजार में कम है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए भाई यहाँ पर भी लोग ले रहे हैं। सर्विस अच्छी हो जाए ना, सर्विस यार, सर्विस रश बहुत है जी भाई, बहुत बुराई है यहाँ पे। बुराई नहीं सर, रश ज्यादा है, रश ज्यादा है भाई, बाजार अच्छा है, रश ज्यादा है, इनका कसूर नहीं है भाई, आवाम ज्यादा आ गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे काफी रश लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर प्याज और टमाटर आलू का यहाँ पर चल रहा है। देखिए हम सब लोग ले रहे हैं यहाँ पर। आप कौन सी लाइन लगाई हुई है? आलू प्याज? प्याज आलू, प्याज आलू। देखें भाई आलू प्याज का रेट यहाँ पर रश लगा हुआ है बड़ा। तो मज़ीद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और पूरे बाज़ार को आपको एक्सप्लोर। देखें ये कोई ऊपर चढ़ गया, कोई है, ये कौन चढ़ गया? ये लो भाई, टेबल तोड़ गया ऊपर चढ़ के। देखें यहाँ पर केचप वगैरह चल रही है यहाँ पर, देखें आप मज़ीद, और घी तेल आटे पे काफ़ी रश लगा हुआ है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, तो मज़ीद थोड़ा सा मज़ीद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। देखिए यहाँ पर टोकन बट रहे हैं आलू प्याज और टमाटर के, और थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको, देखिए सामने भी टोकन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है मूली, लेमन, पुदीना, कटी हुई मिर्च, अदरक, लहसुन, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। देखिए यहाँ पर पालक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर लोगों को काफ़ी रश लगा हुआ है, यहाँ तक कि धनिया पर भी रश लगा हुआ है, लोग धनिया भी खरीद के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए पूरे बाज़ार को आप देखें, बाकायदा शामियाँ लगा हुआ है। तो ये अकील भाई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि इस तरह का बाज़ार आपको आगे भी मिलेगा, आगे दिनों में ही मिलेगा। तो 19वां ये बाज़ार है, आज 19 बाज़ार मुकम्मल हो गए। देखें यहाँ पर अदरक के अलावा घी तेल, देखें घी तेल यहाँ पर ही मिल रहा है आपको, और इसके अलावा दालें, और ऑल ओवर पूरा पूरा आइटम है जो किचन की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से तमाम आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आवाम का आज छाटे मारता हुआ समंदर अंचोली के बाज़ार का तारीखी रश। और एक बात आपको यहाँ बता दें कि अगर जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो हफ्ते के दिन भी ये टोकन वसूल कर सकते हैं। मेन अंचोली पर अहमद मेडिकल के बिल्कुल सामने रज़ा गिफ्ट सेंटर से आपको टोकन वसूल कर सकते हैं दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक। और वैसे अगर आप यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको सुबह आके टोकन मिल जाएगा। तो अभी देखिए पूरा बाज़ार पे रश लगा हुआ है, और ओवरऑल हर चीज़ मिल रही है, जितना भी किचन का आइटम है, जितना भी घरेलू अशिया है, अंचोली पर आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। ब्लॉक 20 के अंदर बिल्कुल एदीस, जो अपना जो एदीसर्ट खाना है सुराग रोड पर, उसके बिल्कुल बैक साइड पर आप आ जाएं, अंदर सीधा ग्राउंड है, ब्लॉक 20 FB एरिया कहलाता है ये। तो ओवरऑल देखें पूरा बाज़ार अच्छा है, रश देखें आवाम काफ़ी रश ले रही है। देखें भाई कुछ जानने वाले लोग भी, अपना आगा साहब भी हमें वो कर रहे हैं भाई, देखिए थैंक यू भाई। थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखें यहाँ पर भाई दे रहे हैं मटर,
तोरी और कहीं काफ़ी देखिए भाई ना, आटे की 5 बोरियां। देखिए मैं ये इसी चीज़ के मैं खिलाफ़ हूँ कि आप 4-4, 5-5, 6-6 बोरियां लेके जा रहे हैं भाई, दूसरे लोगों का आप हक मार रहे हैं। ऐसा ना करें मेरे भाई, आप ख्याल करें। और लोग बेचारे जो परेशान हैं लाइनों में लगे होते हैं, जब उनका नंबर आता है तो बोलते आटा ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं करें। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, मज़ीद इस बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए गोश्त वगैरह भी मिलता है यहाँ पर, हर चीज़ मिलती है। ये आप देखें यहाँ पर भी काफ़ी रश लगा हुआ है और लोग अपनी ज़रूरत की अशियाँ यहाँ से ख़रीदने में मजबूर हैं, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी है कि यहाँ पर लोग धनिया तक लेने में मजबूर। धनिया भी इतना महंगा है, आलू महंगा है, टमाटर महंगा है, हर चीज़ महंगी है। देखिए तेल पे कितना रश लगा हुआ है। और आप मज़ीद आगे चलते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस आवाम ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बाज़ार ने। छोटा सा बाज़ार है लेकिन आवाम का समंदर है। और आप थोड़ा सा आगे चल के देखते देखिए, ये देखिए आप, ये रश देखें आप। सुबह 8 बजे से आवाम की लाइन लग जाती है, 9 बजे बाज़ार खुल जाता है, 8:45-9 बजे खुल जाता है। उसके बाद जो एक घंटा चीनी का टोकन, देखिए यहाँ से टोकन मिल रहा है और टोकन किस तरह मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। आगे होगा आगे, देखिए आलू का अलग है, प्याज का अलग है, टमाटर, ये देखिए 4 किलो प्याज। यहाँ पर टोकन मिल रहा है, प्याज का टोकन अलग है, आलू का अलग है। और ख़वातीन का देखिए यहाँ रश लगा हुआ है काफ़ी, और हर आदमी देखिए महंगाई से परेशान है, तो सस्ती चीज़ें ढूंढने के लिए लोग इस तरह का इनिशिएटिव निकालना एक बाज़ार में, हालांकि छोटा बाज़ार है लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना रश है ना, ऐसा रश मैंने कहीं नहीं देखा। और जो ये रश आपका अभी यहाँ पर शुरू हुआ है, 15 मिनट हुए हैं, देखें इस बाज़ार को देखें। यहाँ पर मिल रहा है मूली, लेमू, पुदीना, कटी मिर्च, इसका गाजर, मतलब कि सब्ज़ी वगैरह का जो आइटम है वो यहाँ मिल रहे हैं। और रश देखें, ये जो लाइन लगी हुई ये सिर्फ लगी हुई है टोकन के लिए, ठीक है। और यहाँ जो वो लोग हैं जो टोकन लेके आए हुए, वो अपना अपना सामान देखें ले रहे हैं। देखें अंडी ने धनिया ले लिया है, और एक धनिया अंडी ने लिया है। तो ऐसा देखें काफ़ी सारा आइटम यहाँ मिल रहा है, आपको दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखें आप। देखिए इतनी महंगाई के अंदर इस तरह का इनिशिएटिव निकालना बहुत अच्छी बात है, और जो काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो एक आम पब्लिक कर रही है। आप देखें 1 घंटे में ये बाज़ार पूरा ख़त्म हो जाता है। और आप ये भी देखें, थोड़ा सा मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अकील भाई यकीनी बचत बाज़ार, ये देखें अंचोरी ग्राउंड में होता है, ब्लॉक 20 में FB एरिया, और रेट बिल्कुल ये अपोजिट है जो सर्द खाना है एडी का। एडी के बिल्कुल आप मेन गली में आएंगे, सीधा अंदर आ जाएं तो सीधा आपको ये मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। डे के अंदर अंदर ये बाज़ार का सफाया हो जाता है, कोई 10 बोरी, कोई 6 बोरी, कोई 4 बोरी, 8 बोरी, 10 बोरी, कोई 10 किलो, 5 किलो, पता नहीं कितने कितना। देखिए यहाँ पर आप देखें आवाम का रश, देखें ठाटे मारता हुआ समंदर, बड़ी सी एक लाइन लगी हुई है। लाइन लगने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि लोग बेचारे अपने, देखें इतनी महंगाई के चक्कर में इतना परेशान है कि उनको ना गर्मी की फिक्र, ना भूख का एहसास, ना पानी की प्यास, लेकिन यहाँ पर वो लगे हुए हैं कि बस सस्ती चीज़ मिल जाए, अच्छी मिल जाए। जब भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर जब वीडियोज़ आम हुई हैं उसके बाद ऐसा मतलब ये बाज़ार वायरल हुआ है कि अब हर बंदा इस बाज़ार में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए वीडियोस देखने के अलावा जो मोहल्ले वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी देखेंगे, देखिए शामियाने ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ देखिए कितना रश है। यहाँ देखें आटे के अलावा काफ़ी और सारी चीज़ें मौजूद हैं जो घरेलू चीज़ों अपना किचन में काम आती हैं। और देखें अभी रमज़ान आने वाला है और लोगों ने अभी से ही अपने घरों को, अपने किचन को भरना शुरू कर दिया है ताकि ये रमज़ान में आना ना पड़े, कोई एक एक महीने का 1.5 महीने का कुकिंग ऑयल दस्तियाब है। तो बस बात यही है कि सस्ता अच्छा और मेरा सामान यहाँ पर निकाल दिया है अकील भाई ने। अकील भाई बड़े मशहूर है भाई, अकील भाई यकीनी बचत बाज़ार, इन्होंने बाकी एक कमाल का काम कर दिया है। और ये कह रहा हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि जो काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो इन्होंने गवर्नमेंट को आईना दिखा दिया है। तो देखें भाई हम क्यों नहीं कर सकते, बात कहने की ये है, इन्होंने बोला है भाई हम क्यों नहीं कर सकते। देखें आप थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देखिए रश देखें आप, मैं कहता हूँ आज तो आज मैं कह रहा हूँ कि आज तबाही मचा दी है इस बाज़ार में, इतना रश हमने कभी नहीं देखा। जो 19वां बाज़ार था ये, इतना रश मैं कह रहा हूँ 20वां बाज़ार जो होगा वो शायद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। तो आप अभी मज़ीद देखिए क्योंकि रमज़ान बहुत करीब हो जाएगी, तो लोग मज़ीद यहाँ पर अपना रुख करेंगे और अपनी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे जो यहाँ पर सस्ती मिल रही हैं।
ये भाई मैंने अभी इस वक्त अंचोली का एक पूरा बाजार का रिव्यू किया जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि लोगों का काफ़ी रश देखने को मिला और लोगों ने अपने अपने आइटम देखकर रमज़ान की आमद आमद है, लोगों ने आइटम जमा कर लिए हैं। अगर देखें जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही आसान हल ये है कि अगर आप देखें टोकन सिस्टम है यहाँ पर, टोकन आप लेना चाहते हैं तो हफ्ते को अहमद मेडिकल अंचोली पर बड़ा मशहूर है, उसके बिल्कुल सामने है रज़ा गिफ्ट सेंटर, वहाँ से भी आपको हफ्ते को टोकन मिल सकता है सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप टोकन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको टोकन मिलेगा, लेकिन सुबह जल्दी आएँ, 6-7 बजे आ जाएँ, लाइन में लगें 2-2.5 घंटे लगेंगे भाई, उसके बाद जाके आपको इस तरह की सस्ती चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मेन चीज़ ये है कि देखिए गवर्नमेंट नहीं, तो गवर्नमेंट बिल्कुल इस तरह का ताउन नहीं करती, लेकिन यहाँ पर अकील भाई ने ये अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन आज जितना रश आवाम का मुझे देखने को मिला वो इतना रश मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और दूसरी बात है कि हर चीज़ के ऊपर देखें इन्होंने रिलीफ दिया हुआ है, आटा हो, चीनी हो, दाल हो, घी हो, गोश हो, हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है। रश देखें कैमरा में ज़रा घुमा के दिखाए कितना देखें रश लगा हुआ है, ये देखें आप लोगों ने देखें जमा किए हैं अपने अपने आइटम और हर चीज़ अच्छी है, सब कुछ है। देखें यहाँ भी दिखाएं भाई, ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, ये चीनी लेके जा रहे हैं भाई, क्या किलो ली है? 85 रुपये किलो चीनी है और ये आपको बाहर मिलेगी तकरीबन 100 रुपये किलो चीनी, यहाँ 95 रुपये किलो, 10-15 रुपये का फ़र्क है। मेन चीज़ ये है कि आप सब्ज़ी अपना धनिया पुदीने को छोड़ें, बस आटा तेल घी चीनी ये ज़्यादा ज़रूरत है। सब्ज़ी धनिया लोगों का रश धनिया पे लगा हुआ है, मिर्चों पे लगा हुआ भाई, वहाँ पर वो मिर्ची आपको 30 रुपये की, आप यहाँ आपको 10-15 रुपये का फ़र्क आएगा। लेकिन इतना मेन चीज़ ये है कि आप सब्ज़ी अपना धनिया पुदीने को छोड़ें, बस आटा तेल घी चीनी ये ज़्यादा ज़रूरत है। सब्ज़ी धनिया लोगों का रश धनिया पे लगा हुआ है, मिर्चों पे लगा हुआ भाई, वहाँ पर वो मिर्ची आपको 30 रुपये की, आप यहाँ आपको 10-15 रुपये का फ़र्क आएगा। लेकिन इतना इशू नहीं होगा। देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये बड़ी बहुत ही गलत नोट की कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, देखें नॉर्मल आप सबका ख्याल रखें, यहाँ पर कोई लोग 10 आटे की बोरियाँ, कोई 6 आटे की बोरियाँ, कोई 4 आटे की बोरियाँ ले रहे हैं तो दूसरों का आप नुकसान कर, दूसरों के हक पे आप डाका डाल रहे हैं, ऐसा ना करें भाई। जितने आपकी अपना मैं इंतजामिया से भी एक बात कहता हूँ कि आप एक अफराद को एक बोरी दें, तेल आप 2 किलो दें, घी 2 किलो दें, अब कोई 5 किलो ले रहा है, कोई 10 किलो ले रहा है तो ये गलत है। देखें ऐसा करने से क्या होगा, रश आपका बढ़ेगा और इंतजामिया भी यहाँ पर परेशान हो जाएगी। तो ये लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ मेरे भाई, इतना लें जितना बर्दाश्त कर सकें, इतना ना लें कि आपको बर्दाश्त ना हो किसी और का हक मारें। बात रमज़ान की करते हैं तो रमज़ान के अंदर ये बाज़ार भी कन्फर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इंतजामिया कह रही है कि हो सकता है कि हम इसको चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसा बाज़ार लगाएं जिसके अंदर लोग रमज़ान के अंदर रेगुलर खरीदारी कर सकें, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। इसकी वजह बेवैसी की है कि जितना रश यहाँ पर हो रहा है और जितने मसले मसाले रमज़ान में ये रश डबल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फेसबुक को फॉलो करते रहें और शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।